नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से। जमशेदपुर मिरर की टीम आज कुछ खास लेकर आई है। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं जमशेदपुरियंस को कि जमशेदपुर में हर एक चीज़ खास है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और खाने की चीज़ों में हम सब काफ़ी शौकीन हैं। और कभी कभी हमें भी मन करता है कि दूसरे राज्यों में कुछ खास ऐसे चीज़ मिलते हैं जो काश हमारे यहाँ पर भी उपलब्ध होते हैं और हम भी उसका जायका ज़रूर लेते हैं। इसी के साथ आज जो है घूमते फिरते जमशेदपुर मिरर की टीम जमशेदपुर से खोज निकाली एक अनोखा चीज़ जो कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और फेमस क्या है ये आप सभी को शायद अंदाज़ा लग गया है, अंदाज़ा नहीं लगा है तो वो हम आपको बता देते हैं, बड़ा पाव। तो जमशेदपुर में बड़ा पाव जो है वो अभी उपलब्ध है। और ये भैया जो है छोटे से स्टॉल है, काफ़ी सुंदर सा सेटअप है और इस सेटअप में ये बनाते हैं। कितने टाइप के बड़ा पाव बनाते हैं भैया? ये बड़ा पाव के साइज तो यही रहते हैं। टाइप कितने हैं आपके पास? टाइप है इसमें क्लासिक है, मसाला है और चीज़ है, चीज़ मसाला है, फिर इसके अलावा ब्रेड रोल है, चॉकलेट पुडिंग, चॉकलेट मोपिंग है। तो यहाँ पर जो मेनू कार्ड है वो अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर टोटल चार टाइप का आपको बड़ा पाव जो है वो मिल जाएंगे। और भैया इतने छोटे से सेटअप में काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से क्लीन और हाइजीन रहते हुए ये बना रहे हैं यहाँ पर। और कहाँ पर है ये भी आपको बता देते हैं। तो ये है केस लिंक रोड, जो है केस लिंक रोड में आप चाहे कदमा तरफ से आइए या उस तरफ से सोनारी तरफ से आएंगे तो भैया का स्टॉल जो है काफ़ी ज़्यादा चमकदार है और रोशनी की कमी नहीं है तो आपको ज़रूर दिख जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल रहता है इसी पे इनका पूरा सेटअप है। और ये अभी एक जन आए हैं ऑर्डर देने के लिए तो उनका ऑर्डर बना रहे हैं और इसके बाद जो है हम लोगों का भी ऑर्डर ही भैया बनाएंगे। तो अभी क्या क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। ये बड़ा, इसको बड़ा बोलते हैं। अच्छा हाँ, इसको ये ब्रेड है, ब्रेड के अंदर मैंने मसाला लगा के इसको बड़ा डाल के देते हैं। तो भैया जो है अभी एक जन का बना रहे हैं तो स्टार्टिंग से जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएं जब भैया हमारी वाली बनाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कभी आपने बड़ा पाव खाया है और खाया है तो कैसे खाया है और कैसा लगता है आपको और कहाँ मिला है आपको, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जमशेदपुर में और कहीं भी बड़ा पाव जो है वो अवेलेबल है। तो इसीलिए एक्सक्लूसिवली आपके साथ आपके पास इस सर्दी में कुछ खास लेके सामने हम हाजिर हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और टैग ज़रूर करना अपने फूडी फ्रेंड्स को जो खाने पीने के शौकीन हैं और बड़ा पाव खाने का इच्छा ज़रूर रखते हैं वो। और भैया अभी दूसरे लोग का बना रहे हैं तो उनका बन जाए उसके बाद जो है हम लोग अपना बनवाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है भैया का। क्लासिक बड़ा पाव, आप उनको दे दीजिए, हमारा वाला फिर बनाइएगा। तो देखिए लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं कि उन्होंने ट्राई किया और टेस्ट सुपर्ब है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि अपने जो फूडी फ्रेंड्स है, खाने पीने के शौकीन जो दोस्त है उनको टैग करना ना भूलना, उन्हें बता देना कि जमशेदपुर में बड़ा पाव मिलता है। और ये साथ शाम में बैठते हैं तो भैया कितने बजे से बैठते हो ऐसे? यहाँ हम शाम को आते हैं वही 6 से 6:15 और 9 बजे बंद करते हैं रात को। तो 6 से 9 बजे तक जो है आप अगर आओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी और भैया इनका पैक करते फिर हमारा जो है मेकिंग प्रोसेस वगैरह भी आपको बताएं और क्या क्या इसमें डलता है ये भी आपको बताएंगे और टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे किस तरह का।
आप जैसे देख पा रहे कि काफ़ी छोटा सा सेटअप है, लेकिन भैया का जो यहाँ पर स्पेस है वो काफ़ी क्लीन है और काफ़ी हाइजीन तरीके से भैया ने मास्क भी लगा के रखा हुआ है और भैया ने ग्लव्स भी पहना है। और लोकेशन मैं बता दूंगा और लोकेशन एक बार फिर से दिखा भी दूँ, ये केस लिंक रोड जो है, केस लिंक रोड जैसे आप उधर से आइएगा या फिर नीचे तरफ से भी आप कहीं से भी आए केस लिंक रोड का, तो आपको यहीं पर सामने में ही भैया का जो स्टॉल है चमकता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि रोशनी की कोई भी कमी नहीं है और काफ़ी सुंदर तरीके से भैया ने अपना छोटा सा स्टॉल को सजा के रखा हुआ है। तो भैया बना रहे हैं अभी हम लोगों का, तो यहाँ पर देखते हैं भैया क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या देंगे। तो भैया बताते जाइए कि क्या क्या डालेंगे इसमें, ठीक है। और एक ख़ास बात ये भी है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रीट फूड जिन लोग वेंडर्स हैं वो लोग डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, तो कोविड के टाइम पे इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर भैया ने एक बन ले लिया है और उसको अब कट कर दे रहे, बीस से स्लाइस कर दे रहे हैं। ये पूरी कट हो जाएगी कि आधा? नहीं नहीं, इसको आधा मैंने ताकि वो खुल सके, अंदर में उसका हम मसाला वसाला लगा सकें। दिखा दीजिएगा इधर में क्या क्या है। ये क्या है भैया? ये गन पाउडर बोलते हैं, इसमें बहुत सारे मैंने लहसुन सुने सब मिक्स रहते हैं बेसन के। और ये ग्रीन चटनी, ये धनिया का बना हुआ है, तो हरी चटनी जो है वो धनिया की बनी हुई है। और वहाँ पर ये इसे हम लोग मसाला बोलते हैं, इसमें टमाटर वाटर मिक्स है, मसाला में बड़ा पाव में ये ऐड हो जाता है। तो बनाइए फिर भैया। भैया जो है इसको गरम करते हैं पहले, लहसुन भूल गए हड़बड़ी में, फिर थोड़ा सा इसी में हम काम चला रहे हैं। भैया जो है अभी इसको बना रहे हैं, भैया इसको पैक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग और भी कहीं जाएंगे अभी। तो भैया का यहाँ पर काफ़ी अच्छा बिहेवियर भी है, काफ़ी शांत है और काफ़ी हाइजीन तरीके से यहाँ पर बना रहे हैं इसको। तो अब भैया इसको पहले गरम कर ले रहे हैं क्योंकि ये बना हुआ रहता है। तो बड़े में क्या क्या यूज़ होता है, आप बनाते हैं इसको? ये तो हमारे ऑफिस में देखिए एक कारीगर मैंने बना के वो रेडी करके देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना साइड में ला के इसको, ऐसे में क्या रहता है बड़ा का अंदर? बड़ा का अंदर और बाकी जो आलू का मटेरियल रहता है, जो आलू चप में सेम वही चीज है। ओके जी। ये हम बना रहे हैं चीज मसाला बड़ा पाव, इतना पाव में डालेंगे चीज। चीज मैगी अच्छा, इस ये एक जन पूछ रहे हैं कि विदाउट अनियन और गार्लिक का कोई आइटम है क्या, मतलब इसमें किसी में भी प्याज जो है उसका यूज हुआ है और लहसुन का यूज हुआ है क्या इसमें?
लहसुन में मिक्स रहता है इसमें। अच्छा, तो उसके बिना भी बड़ा पाव बन सकती है? जी हाँ, ये तो यहाँ पर वो भी फैसिलिटी, अगर आप प्याज और लहसुन नहीं लेना चाह रहे तो वो पाउडर को हटा के बाकी आप धनिया और चीज वगैरह दे के जो बड़ा पाव है उसको बनवा सकते हैं अपना कस्टमाइज करके। देखो मुंबई में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी टेम्पटिंग टेस्ट रहता है। ऐसा हमारे जो भी दोस्त यार है जो मुंबई जाते रहते हैं या फिर मुंबई में जिन लोग सेटल्ड है तो वो अक्सर बताते रहते हैं कि वहाँ पर बड़ा पाव जो है काफ़ी कॉमन है, लेकिन हमें भी खाने का मन करता है पर जमशेदपुर में ऐसा कोई जो ऑप्शन है वो आज तक हमें नहीं दिखा था। लेकिन आज जब हम घूमते फिरते इधर निकले तो निकलते जब आए तो भैया का स्टॉल देखा और भैया का स्टॉल आप काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी हाइजीनिक वे में ये मेंटेन करके रखे और आपको ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पर आगे कि काफ़ी कंजस्टेड है, बट यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको एकदम सिंपल वे में जो है भैया यहाँ पर मिलेंगे और काफ़ी सुंदर तरीके से भैया सजा के रखा है। तो बड़ा पाव जो है अब जिसको बड़ा पाव खाना है तो यहाँ आना भैया के पास और ये केस लिंक रोड में जो है आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप जिधर से भी आओ, और काफ़ी सुंदर तरीके से जो है इनका यहाँ पर है और भैया जो है हमारे वाले भी बना दिया और इसको पैक कर रहे हैं अभी, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और आप सभी को यही बताने के लिए इस लाइव में शुक्रिया है कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहें और फिर मिलते हैं कोई नए लाइव वीडियो पर। भैया ने हमारे भी ये वाला पैक कर दिया ऑर्डर जो था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहना और अपने फूडी फ्रेंड्स को टैग करना ना भूलना और जल्दी मिलते हैं कोई नए लाइव वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए हमने अपना पैक करा लिया और इंतज़ार रहेगा कि आप भी अपना आके यहाँ पर टेस्ट करके ज़रूर कमेंट करके बताना और किस तरह का लगता है ये भी बताना। तो मिलते हैं कोई नए लाइव वीडियो पर, चलिए शुभ रात्रि और ख्याल रखिएगा अपना।